मूनलाइट मेडिटेशन क्या होता है, आखिर कैसे चंद्रमा को सिर्फ टकटकी लगा के देखने से हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है, कैसे हमारी कनेक्टिविटी चंद्रमा के साथ इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो हमारे जो भी ब्लॉक सेल्स होते हैं उसको वापस से रीजनरेट करता है। नमस्कार, मैं पूनम शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मूनलाइट मेडिटेशन के बारे में। मूनलाइट मेडिटेशन क्या होता है, इसे कैसे करना चाहिए और ये क्यों इतना ज़रूरी होता है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, तो चलिए आज बात करते हैं मूनलाइट मेडिटेशन के बारे में। मूनलाइट मेडिटेशन मतलब चंद्रमा को टकटकी लगाकर देखना। 10 से 15 मिनट बिना अपनी आंखों को ब्लिंक किए आपको चंद्रमा को देखना है, उसके साथ कनेक्टिविटी बनानी है अपनी, इतनी स्ट्रांग कनेक्टिविटी बनानी है कि उसकी वाइब्स आपकी बॉडी में आए और आपसे चंद्रमा बातें करे। ये होता है मूनलाइट मेडिटेशन। ये भी मेडिटेशन का एक प्रकार का टाइप्स है। जैसा कि मैंने आपको बताया मेडिटेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आपको कौन सा टाइप्स अच्छा लगता है या जो भी आपको गाइड करते हैं वो कौन सा टाइप्स आपको किस तरीके से बताते हैं वो आपको कंटिन्यू सिर्फ 10 से 15 दिन आप करेंगे तो आप अपनी बॉडी के अंदर एक पॉजिटिव चेंजेस खुद देखेंगे। अब बात करते हैं कि मूनलाइट मेडिटेशन को करना कैसे चाहिए। जब भी आपके पास 10 से 15 मिनट का समय हो तो आप अपने टेरेस में जा सकते हैं, आप इवनिंग वॉक करते हुए चंद्रमा को निहार सकते हैं, आप विंडो में बैठे बैठे चंद्रमा को देख सकते हैं, अपनी बालकनी में खड़े होकर चंद्रमा को देख सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट जगह लगे जहाँ से आपको सिर्फ चंद्रमा दिखाई देना चाहिए, जिससे कि आप उसको टकटकी लगा के देख सकते हैं, जिससे आप जहाँ से आपकी चंद्रमा के साथ आपकी कनेक्टिविटी हो सकती है उस जगह को आपने चूज कर लेना है और डेली आपने चंद्रमा को 10 से 15 मिनट देखना है। आप अपनी बॉडी में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव चेंजेस खुद देखेंगे। चंद्रमा को देखते रहना है 10 से 15 मिनट, उसके साथ सेल्फ अफर्मेशन देनी है उसको, एक आपने कमांड देनी है चंद्रमा को। इतना चंद्रमा के साथ आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि उसके आसपास आपको एक गोल्डन रंग का प्रकाश आपको दिखाई देना चाहिए। वो प्रकाश पीले रंग का भी हो सकता है, ऑरेंज कलर का भी हो सकता है, ब्लू कलर का भी हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि आपको दिखाई कब देता है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। आपको ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको चंद्रमा के आसपास येलो रंग का प्रकाश दिखाई दे देगा या फिर ब्लू रंग का प्रकाश दे देगा, नहीं। और हो सकता है कभी कभी आपकी इमेजिनेशन, आपकी पावर्स, आपकी कहते हैं ना कि थर्ड आई का जब कनेक्शन होता है तो हमारे सारे जो बॉडी के ब्लॉक चक्रास होते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको चंद्रमा बहुत ही कलरफुल दिखाई दे और वो बहुत ही अच्छी बात होगी। जिस दिन आपको ऐसा दिखाई देगा तो मतलब कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो चुकी है, आपकी बॉडी के सभी सेल्स रीजनरेट हो चुके हैं। और सच में ये इतनी इफेक्टिव थेरेपी होती है, क्योंकि मैं जब सभी को एडवाइस करती हूँ सेशन के टाइम तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं इस थेरेपी के। मैं खुद भी इस थेरेपी को करती हूँ, तो मैंने आपको वही चीज़ बताती हूँ मैं आपको अपने चैनल पर, जो हम सभी को एडवाइस करते हैं या फिर मैं कराती हूँ या फिर मैं खुद करती हूँ, जिसके पॉजिटिव रिजल्ट मैंने खुद देखे हैं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस थेरेपी को ज़रूर कीजिए। जब भी आपके पास समय हो, 5 मिनट का भी आपके पास समय हो, वॉक करते हुए आप चंद्रमा को सिर्फ देख सकते हैं, आप कहीं पे भी बैठे बैठे चंद्रमा को आपको निहारना है, उससे बातें करनी है। पहले के टाइम पे क्या होता था, जब भी लाइट चली जाती थी तो हम सभी अपने अपने टेरेस में भाग जाते थे, क्योंकि गर्मी बहुत होती थी तो हम सभी वहीं सोते थे। सोते सोते तब तो तारों से भी बात कर लेते थे, चंद्रमा भी बहुत अच्छा दिखाई देता था उस टाइम पे, तो टूटता हुआ तारा भी कभी कभी नज़र आ जाता था। अब तो खैर वो समय नहीं है, लेकिन वो यादें तो ज़रूर हैं। पुरानी यादों के साथ ही अपनी कनेक्टिविटी जैसे आज तक हमने बनाई हुई है ना, वही कनेक्टिविटी आपको चंद्रमा के साथ बनानी है। उससे इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आपको बनानी है कि आप अपनी बॉडी के अंदर सेल्फ चेंजेस खुद देखेंगे, खुद ही पॉजिटिव चेंजेस आप देखेंगे। आप अपने आप को इतना पॉजिटिव फील करेंगे, आपके अंदर इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग एक ऑरा जनरेट होता है जो सभी को दिखाई देगा। नॉर्मली लोग आपसे खुद पूछेंगे कि आपके अंदर एक तेज है। कभी कभी कहते हैं कि हमें किसी का ऐसा जो एक पॉजिटिव ऑरा होता है कि वो हमें इतना अट्रैक्ट करता है कि हमारा मन करता है हम बार बार उससे बातें करें, उससे हम मतलब कि एक अटैचमेंट हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाती है कि हमें लगता है कि उसका होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यही कनेक्टिविटी आपको चंद्रमा के साथ भी बनानी है, चंद्रमा को कंटिन्यूसली देखना है, तो मूनलाइट मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में आपको बहुत हेल्प करता है। आज के टाइम पे हम सभी स्ट्रेस वाली लाइफ जी रहे हैं,
तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब आप ये करेंगे तो आपके साथ क्या चेंजेस हुआ, या फिर आपको कैसे चंद्रमा के आसपास आपको कोई लाइट दिखाई दी, कोई कलर दिखाई दिया, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मेरी ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।